हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंटेलिजेंट ऑफिसर इन नैरोक्रिटिक कंट्रोल ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपुटेशन बेसिक। इसका इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो कि 7 जो कि वैकेंसी है, इसके साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी जो इंक्रीज और डिक्रीज जो कि होगा यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे 60 डेज बिफोर जो कि यहाँ पे जो इस डेट जो कि 28 नवंबर 2018 में इसका जो पोस्ट हुआ है, इसके साथ साथ जो कि 60 डेज बिफोर आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको भेजना होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका सैलरी जो रहेगा 34,000 तक आपका सैलरी आपका पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और जो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, तो इस तरह इसको यहाँ पे इस जो कि इसका आपका डिजायरेबल रहेगा। इसके साथ साथ जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगा यहाँ पे आपको इन्फोर्समेंट एंड न्यूरोकेटिक ड्रग्स एंड फिजो साइकोकेटिव्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1985 कलेक्शन डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन सर्च एंड सर्जर एंड द आईएस्ट इंटरप्रेटिव ट्रायल इन कोर्ट इंटरव्यू एक्शन अंडर द PITNDPS एक्ट। तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और भी बता देता हूँ कि एज लिमिट के बाद एज लिमिट जो कि होगा यहाँ पे आपको 56 ईयर्स जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है, यहाँ पे आप 56 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो इसका फॉर्म है आप किस तरह से फिलअप कर सकते हैं और किस तरह से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यह इसका जो फॉर्म कार्ड लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस आपको यहां पे आपको देख सकते हैं यहां पे आपका जो इस पोस्ट के लिए यहां पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहां पे आपको चला आया है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नैरोक्रिटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑन द डिपुटेशन बेसिक जो पोस्ट है, इसके साथ साथ इस फॉर्म को फिलअप करने में क्या क्या आपको लगेगा सब कुछ मैं आप लोग डिटेल्स में बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो कि आपको आपका आपका नेम जो कि ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेदर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट और सेटिस्फैक्शन इफ एनी क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रीट एज द इक्विवेलेंट अप टू द प्रिस्क्राइब इन द रूल्स स्टेट द अथॉरिटी फॉर द सेम। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस इंस्टीट्यूट आप कौन से ऑफिस में काम आपका जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि पुलिस फोर्स में जो था आपका ऑफिस उसका यहाँ पे डिटेल देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो पिछले जो कि जॉब के अपॉइंटमेंट उस जॉब की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको देना होगा। इस तरह से जो कि इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आपको यहाँ पे एक साइन करना होगा, साइन करके ये फॉर्म जो कि है आपको भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको इस तरह से भरना होगा और भी बहुत कुछ जो कि है मैं मिस कर गया, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर आप ध्यान से देख के वो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे और एक बात बोल देता हूँ, जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे है दोस्तों डिपुटेशन जो कि हो रहेगा आपके लिए यहाँ पे ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटोरीज सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स सेंट्रल स्टेट पुलिस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कस्टम सेंट्रल एक्साइज CBI DRI इन्फोर्स रिजर्व डायरेक्टर इनकम टैक्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ न्यूरोक्रेटिक। तो दोस्तों ये था आपका जो कि इंटेलिजेंट ऑफिसर ऑफ न्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ब्यूरो इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ डिपुटेशन बेसिक के जो पोस्ट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।